kan. देखिए हम कंफर्म है। ओ यार मेरे साथ। ओ यार। हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक राज में। दोस्तों हम आपको बता दें कि आज हम फिर से उसी बच्चे की लोकेशन पर चलने वाले हैं जहां पर उस बच्चे की ट्रैक्टर से दबकर मौत हो चुकी थी, और वहां पे कोशिश करेंगे आज उस बच्चे को अपने कैमरे में कैद करने की, क्योंकि हमारे पास आज जो कुछ भी है हम लेके आए हैं, हम आपको दिखा देते हैं। पहले हमारे पास है केटोमीटर, और इसके साथ में एक है हमारे पास परफ्यूम। ये परफ्यूम हम वहाँ पर छिड़काव करेंगे, और ये परफ्यूम से जो बताया गया है कि इस परफ्यूम को आप जहाँ भी छिड़काव कर दोगे, अगर वहाँ इर्द गिर्द कोई भी आत्मा होगी तो अपने आप खींची हुई वहाँ पर चली आएगी। और हम कोशिश करेंगे उस जगह पर फिर चलने का, और उस आत्मा से वहाँ पर बुलाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल यहाँ से हम लोग पहले निकलते हैं, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी है, लगभग 11 से ज़्यादा होगा इस समय, और वहाँ पे पहले चलते हैं, और फिर इसके बाद जो कुछ भी होगा कैमरे के सामने हम लोग करने की कोशिश करते हैं। निकलते हैं, चलो बंद करते हैं फिर वीडियो। चलो कैमरा चालू किया ना? हाँ हाँ चालू, क्योंकि कई बार लोगों को कैमरा चालू होने से पहले ही वो चीज़ दिख जाती थी, समझ गए। आज पहले से कैमरा चालू करके रखो ताकि कुछ भी दिखे यार, कैमरे में साफ कैप्चर। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई कमेंट कर रहे हैं यार कि जो कुछ भी है यार वो क्लियर दिख नहीं रही है, लेकिन काफ़ी वीडियो हमारे बच्चा जो काफ़ी क्लियर दिखा था यार। यही सामने दिखता है जिस साइड में है यार। कहाँ वो बच्चा? उधर उतर। लाइट ऑन कर दो उसका। कहाँ पर था? यहीं पर तो दिखता है हर बार वो। हर जितनी बार हम लोग आते हैं इसी जगह के इर्द गिर्द वो बच्चा दिखाई देता है। ज्यादा हम लोग समय यहाँ व्यतीत नहीं करते हैं, सीधा कोशिश करते हैं यार उस बच्चे को अपने पास बुलाने की, समझ गए। और हमारे पास अभी हम चल रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे उस बच्चे की ट्रैक्टर से जिस जगह पे दबकर मौत हुई थी, उसी जगह पे सब कुछ रखते हैं, समझ गया ना। इधर ही कहीं पर था ना? उस दिन कहीं पर एक कपड़ा जला हुआ था यार, कि हम जो बच्चे का कपड़ा लेके आए थे इधर जला हुआ था। इधर इधर हाँ यार, ये जगह है जला हुआ, यहाँ पे जला हुआ है। ठीक है, वेलकम। पहले हम ये सेंट का छिड़काव करते हैं ताकि कोई भी या इसकी सुगंध कुछ अजीब सी है। काफी अजीब सा यार इस सेंट का सुगंध भी है। पहले हम इस जो सेंट को पहले आसपास चारों तरफ छिड़काव करते हैं, और
इसके बाद जो हमारा केटोमीटर है उसे कहीं पर रख देते हैं, और हमारे पास अभी और एक काम करते हैं, हमारे पास जो है हमारे मोबाइल में भी अभी भी घोस्ट फाइंडर एप्लीकेशन भी है, ठीक है, उसका भी यूज करते हैं, हो सकता है कुछ हम लोगों से बातें भी करने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये छोटा बच्चा है, एकदम तोतला बच्चा है, उसकी आवाज़ें भी काफ़ी तोतली जाती है, समझ गए ना। उस एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं उससे बात करने की। पहले इसका छिड़काव कर दी सर में, जैसे कोई है आसपास ऐसा लग रहा है। चलिए ये कंप्यूटर कर देते हैं, ठीक है। और घोस्ट फाइंडर जो एप्लीकेशन है हमारा, इसे भी हम ओपन कर लेते हैं, समझ गए ना। चालू है ना, चालू है यार। चालू कर दो उसे। देखो अभी हम एक भी नहीं चल रहा था, ये कुत्ता कहाँ से आ गया। कुछ देख रहा है वो, कुछ देख रहा है ध्यान से। कुत्तों को नीचे से ना एक आभास होता है, देख रहे हो, कैसे देख रहा है वो, देख रहे हो, हम लोग की तरफ नहीं देख रहे हो, वो किसी दूसरी तरफ देख रहे हैं, जैसे कुछ दिख रहा है उसे अजीब ही, देख रहे हो, तो डर भी रहा था, पीछे गया फिर वापस चला गया यार, कुछ तो दिखा उसे इधर, उधर ही साइड दिख रहा था। हाँ सुनो, कोशिश करते हैं यहीं पे इस बच्चे की दबकर मौत हुई थी, और इसी जगह पे उस दिन हम जब बच्चे के जो कपड़े लेके आए थे इसी जगह पे चलकर राख हो गया था यार, अपने आप आग लगी और हमारे आंखों के सामने यार पूरा कपड़ा जलकर राख हो गया था। और कोशिश करते हैं यहीं पर हम कुछ जो यहाँ पे हम जो इत्र लाए हुए हैं यहाँ पर भी छिड़काव किए हैं, हो सकता है क्योंकि हम आपको तो यहीं पर हम केक भी रखे थे और यहीं पर हम नाइट स्टे भी किए थे, हम लोगों को ट्रैक्टर से भी दबाने की कोशिश किया गया था, सेम जगह है, हम लोग यहाँ से तो कहाँ गया। छोड़ो छोड़ो जान दो, कोशिश करते हैं नीतीश इससे बात करने की। चल गुरु पहले उससे
देखिए देखिए बेटा, हम आपको यहाँ पे परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। क्या आप हमारी बातें सुन पा रही हैं? क्या आप हमारी बातें सुन पा रही हैं? भाई हाँ यार, क्लियर कोई आवाज आई है? हाँ हाँ, एकदम तोतले भाई कोई बच्चे से बोला। हाँ यार, क्या आप हमारे पास आ सकती हैं? क्या आप हमारे पास आ सकती हैं? हाँ, कंफर्म आवाज बोली। हाँ यार, इसका मतलब है वो आत्मा हम लोग के पास आना चाहती है। आवाज तो क्लियर आ रही है। अगर आप इस जगह पे मौजूद हो वास्तव में, तो K2 मीटर में आप अपना सिग्नल दीजिए, हमें विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में आप इस जगह पे मौजूद हो। आप K2 मीटर में अपना सिग्नल दीजिए, सिग्नल दोगी? हाँ यार, हाँ बोले, हाँ सिग्नल, बोले हाँ सिग्नल दूंगी। इसमें से सब आवाजी हाँ। क्या आप K2 मीटर में सिग्नल दे सकती हैं? हाँ भाई। यार यार जी, अजीब यार, यार कोई सिग्नल तो आया उसमें। यार कैसे हो सकते हैं? देखो अभी बोले हाँ, और अचानक यार K2 मीटर सिग्नल भी आ चुका है यार। हाँ, आसपास में ही है वो। फिर से कोशिश करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। देखिए, हम आपको परेशान करने के लिए, हमारी कोई ऐसा मकसद नहीं है हम आपको परेशान करें, लेकिन आप क्या आप फिर से एक बार K2 मीटर में अपना सिग्नल दे सकती हैं कि आप यहाँ पे मौजूद हो? प्लीज प्लीज बेटा, एक बार और सिग्नल दीजिए आप यहाँ पे, अगर आप मौजूद हो फिर से एक बार सिग्नल देने की कोशिश करो। ओ यार, यार, यार। देखो यार बाप, देखो पूरा पसीना पसीना हो गया यार। ओ यार, एक काम करते थे, इस बच्चे को कोशिश करते हैं यहाँ पे बुलाने की। क्या वो पहले बात करते हैं, क्या वो यहाँ पे आ सकती है? अगर आ सकती है तो यार कैमरे के सामने आए यार, समझ गए ना? वो कैमरे के सामने आए। ट्राई करो, समझ गए? कोशिश करते हैं, बात करते हैं, रुक जाओ मिनट। देखिए, क्या आप हमारे कैमरे के सामने आ सकती हैं? आ सकती हैं कैमरे के सामने? देखिए बेटा, हमारा कोई भी मकसद ये नहीं है कि आपको कोई नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन आपकी जो आत्मा की जो मुक्ति हो सके, ये क्लियर हो सके कि वास्तव में आप इस जगह पे मौजूद हो, इसके लिए आपको ये क्लियर करना होगा कि वास्तव में आप इस जगह पे मौजूद हो। क्या आप हमारे कैमरे के सामने आ सकती हैं? आ सकती हैं कैमरे के सामने? आ सकती हैं? पूरी हाँ, हाँ आऊंगी, एकदम तोतली आवाज यार, कंफर्म। आप समझ भी नहीं सकते हैं कि इतनी तोतली आवाज बोल रही यार। हाँ आऊंगी यार, साफ साफ कंफर्म कैप्चर हुआ यार। आवाज आई क्लियर। अगर आप हमारे कैमरे के सामने आ सकती हैं, तो K2 मीटर में भी सिग्नल दीजिए, जिससे ये कंफर्म हो सके कि आप हमारे कैमरे में आ सकती हैं, और इस जगह पे आ सकती हैं जहाँ पे K2 मीटर रखा हुआ है, आप इस जगह पे आ सकती हैं। अगर आप सिग्नल देंगे, हमें कंफर्म हो जाए कि आप यहाँ पे आने वाली हैं। क्या आप यहाँ पे आएंगे?
अगर सिग्नल आएगा तो हम समझ जाएंगे आप यहाँ पे आने वाली हैं। यहाँ पे आप आएंगे, देखिए बेटा अगर आप यहाँ पे आने वाली हो तो टू मिनट सिग्नल दीजिए। टू मीटर में सिग्नल दीजिए। देखिए हम कंफर्म नहीं हो पा। हो यार रितेश यार, हो यार रितेश, क्लियर सिग्नल आया। हो यार रितेश, इसका मतलब यार यहाँ पे आ भी सकती है यार। देखिए बेटिया हम कंफर्म हो चुके हैं कि आप यहाँ पे आ सकती हैं, लेकिन कब आ सकती हैं, कितनी देर में आ सकती हैं? क्या 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 कह रही है? क्लियर आवाज नहीं आ रही है, पीछे हट जाइए, पीछे चले जाइए, पीछे चले जाइए। हाँ, कुछ ऐसे ही आवाज आ रही है। इसका मतलब यार हम लोग यहाँ से दूर करना चाहती है। हाँ। आप लोग यहाँ से दूर चले जाइए, वो यहाँ पे आने की कोशिश कर सकती है, समझ गया ना? चलो पीछे हो जाते हैं, छोड़ो यहाँ पे थोड़ा और जो परफ्यूम छिड़का करते हैं और यहाँ से फिर हम लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं। हाँ। समझ गया ना? देखिए हम यहाँ से पीछे हट जा रहे हैं, इसके बाद आप यहाँ आ सकती हैं ना? आप यहाँ आ सकती हैं? आप यहाँ आ जाएंगी ना? हाँ देख लो आवाज आ रही है, साफ आवाज आई यार कि यहाँ से पीछे हट जाओ, मतलब एकदम तोतली आवाज में यार पीछे हट जाओ, समझिए। काम करते हैं जैसे यहीं पर रह गए सब, यहाँ पे रहने दो, चलो और कोशिश करते हैं हम लोग काफी पीछे हो जाएं, समझ गए ना? ताकि देखो हमारा कोई मकसद नहीं है यार इस तरह से किसी बच्चे की आत्मा को या परेशान करना, सिर्फ कंफर्म करना कि वास्तव में इस बच्चे की मुक्ति किए कैसे जाए। अगर वास्तव में वो यहाँ पर है तो ये कंफर्म होना चाहिए कि वो कैमरे में भी आना चाहिए कि वास्तव में वो है क्या चीज, समझ गया ना नितेश? काम करो नितेश, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे 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 जाओ पीछे पीछे थोड़ा पीछे हट जाओ, क्योंकि ऐसी जो चीजें होती ना यार हम आपको बता दे, कोई भी अगर आस पास रहता है यार ना वो आने की कोशिश नहीं करते हैं, अक्सर अगर अकेले पाकर ही कुछ ऐसी चीजें जो आती हैं। और पीछे जाओ नीचे, और पीछे जाओ, जितना लोग दूर रहेंगे ना। अरे कुछ दिख रहा है, ओ यार नितेश लड़ चलो लड़ चलो। ओ भाई ओ यार वो कौन आ रहा है यार, ये कौन है? अरे यार नितेश कोई बच्चा छोटा सा, ओ यार वहीं पर आ गई है, आगे 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 नितेश आगे चलो आगे चलो आगे आगे हटो आगे हटो आगे हटो। ओ यार नितेश, ओ यार नितेश, अरे ये गायब कैसे हो गए यार? कहां है नितेश का पति यार? कुछ यार देखो संभाल कर संभाल कर, यहाँ तक तो आई थी क्लियर। अभी यार यहाँ पे कोई छोटी बच्ची थी यार, एकदम जैसे मतलब कोई बच्चा यार अभी चल नहीं पा रहा यार, उस टाइप का था यार। इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? पता नहीं कहाँ चली गई, उस साइड देखो इस साइड। अरे यार इतनी सीखी यार, हमारी आंखों के सामने गायब हुआ यार, एकदम ऐसा लगा कि कोई बच्चा आ रहा है लेकिन अचानक आंखों के सामने गायब हो जा रहा है यार। दो सेकंड के अंदर गायब हुई है, एक भी सेकंड नहीं लगा, आधा सेकंड में दस पांच सेकंड भी ऐसा लगा कि आंखों के सामने उजल हो गया यार वो। लड़के हो यार? नहीं
क्यों लड़को जल्दी लड़का हो गया मेरी कैसे हो गया यार अकेले अकेले लड़ गया सही नहीं मिला कुछ तो खराब हुआ इसमें ये तो कंफर्म हुआ यार कोई बच्चा है यार एकदम छोटा बच्चा कि जैसा लग रहा कि कोई अभी सही से चल भी नहीं पा रहा है यार यहाँ तक तो कंफर्म कैप्चर हुआ लेकिन गायब कहाँ हो गया ये कंफर्म नहीं हो पाया काम करते थे काफी टाइम हो चुका है और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं वास्तव में उस बच्चे की आत्मा की शांति कराना यार सबसे जरूरी है चलो उठाओ ये सब चलते हैं लेकर ये यहाँ से निकलते हैं यहाँ से चलो बाहर चलो छोड़ो चलो निकल यहाँ से काफी खतरनाक है यार काफी खतरनाक पीछे बिलो पहले चाहते हो अजीब सा यार कुछ नहीं समझ नहीं यार काम करो तो बंद करो वीडियो निकल यहाँ से चलो बंद करो बंद करो